अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे पहला ओडीआई मैच स्टार्ट हो चुका है, तो आइए देख लेते हैं पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11। नंबर वन पर ओडीआई टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे। जी हां, तो दोस्तों टी20 के भी कप्तान बाबर आजम। नंबर टू पर इमामुल हक को मौका मिला है। जी हां, तो दोस्तों इमामुल हक को सेलेक्ट किया गया है। नंबर थ्री पर फ़खर जमान, फ़खर पाकिस्तान, इनको मौका दिया गया है एक मरतबा फिर पहले ओडीआई में। उसके बाद आबिद अली को बेहतरीन मौका मिला है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और उसके बाद बेहतरीन हार्ड हिटर बैट्समैन इफ्तखार अहमद को सेलेक्ट किया गया है पहले ओडीआई मैच के लिए। उसके बाद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होंगे। जी हां, तो दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। उसके बाद ऑलराउंडर आमाद वसीम, जी हां तो दोस्तों इनको भी सेलेक्ट किया गया है। और उसके बाद मौका मिला है फहीम अशरफ को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, ये ऑलराउंडर हैं। शादाब खान इंजरी के बाद बाहर हो चुके हैं, उसकी जगह उस्मान कादिर को मौका मिला है, स्पिन बॉलर सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद फास्ट बॉलर वहाब रियाज का नाम आता है, इन्हें भी पहले ओडीआई के लिए सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आखिरी खिलाड़ी हैं शाहीन शाह आफरीदी। जी हां, तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि अभी इस मैच में खेल रही है। तो अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।